अब सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए यार, ये सेक्रेटरी का फंडाई कहाँ से आया। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस जो कंडक्ट करते हैं, वेरियस फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले सोल ट्रेडर, अब उसकी कुछ एडवांटेजेस थी, जैसे सिंगल ओनरशिप था, कोई टेंशन नहीं, सब डिसीजंस खुद लेता था, वन मैन कंट्रोल था, बट एक अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और कैपिटल की भी मर्यादा थी। तो फिर आया पार्टनरशिप फर्म, जहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, फेथ ऑनेस्टी ये भी था, इजी फॉर्मेशन था, कैपिटल ज्यादा अवेलेबल था, स्किल्स यूज होती थी, पर यहां पर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। मेन उसके बाद जन्म हुआ कंपनी का, बीच में वेरियस फॉर्म्स थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, पर कंपनी का फॉर्मेशन एक लीगल एंटिटी की तरह हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हुआ, जो बिजनेस करने लगी। अब कंपनी जो है, उसके जो ओनरशिप है, राइट्स, वो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, ओनर होते हैं, टू ओनर्स होते हैं, पर वो जो है वो स्प्रेड ओवर द कंट्री होते हैं। कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, कोई कन्याकुमारी में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई कोलकाता में रह रहा है, असम में रह रहा है, राइट। अब क्योंकि स्प्रेड ओवर द कंट्री है, तो सब मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे कंपनी। ये आप आके कॉमर्स में पढ़ेंगे भी कि कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मर्यादा थी कि शेयर होल्डर बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे रूल्स रेगुलेशन पता नहीं हो, जरूरी नहीं है, और डे टू डे अफेयर्स कैसे मैनेज करें वो भी पता नहीं है। तो इसीलिए सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ। तो सबसे पहले हमेशा हमारी चीज दिमाग में आना चाहिए, यार ये सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया। अब मान लीजिए मीनिंग आते हैं, तो हमें थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना है। इन गुजराती लैंग्वेज वी यूज मंत्री वर्ड फॉर सेक्रेटरी, व्हिच मींस पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी। अब ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि किंग दशरथ का सेक्रेटरी कौन था। तो सुमंत, श्री सुमंत वॉज सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ। विदुर वॉज सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र, महाभारत आपने देखी होगी। मुगल एम्पायर में इसी को वजीर कहा जाता था, और बीरबल, अबू फजल, ये वेल नोन वजीर थे, ये सेक्रेटरी थे। रोमन एम्पायर में स्क्रिबा कहा जाता था। तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि स्क्रिबा कौन से लाइक एरा में कहा जाता था। तो इन द एंशंट रोमन एम्पायर, दोज हु परफॉर्म द वर्क ऑफ करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ द किंग्स वर कॉल्ड एज स्क्रिबा। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस, व्हिच मींस वन हु कीप्स सीक्रेट डिटेल्स एंड ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस। तो सीक्रेट डिटेल्स शब्द, ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस, तो जहां पर भी सेक्रेटरी को एलाबोरेट करना हो तो सीक्रेट डिटेल्स रखता है, ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी वर्क एज पर्सनल असिस्टेंट, ही डज करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर एंड कीप्स पर्सनल सीक्रेट। तो करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर, कीप सीक्रेट, ये शब्द होने ही चाहिए। अब अगर डेफिनेशन आती है, तो हमें दो डेफिनेशन लिखनी है। पहले, इन जनरल सेंस सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्टिविटी ऑफ मोडकू, MODKU, मोडकू। एम फॉर मेंटेनिंग सीक्रेसी, ओ फॉर ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मोडकू, KU। कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड अंडरटेक्स अदर एक्टिविटीज एज डायरेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस। तो सेक्रेटरी एक पर्सन है जो क्या करता है, मोडकू करता है, मोडकू। ओके, तो सिंपल तरीका है जनरल डेफिनेशन लर्न करने का, मेंटेन सीक्रेसी, एम ओ फॉर ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट्स एंड अंडरटेक्स अदर एक्टिविटीज, मोडकू करता है। पर अभी मोडकू डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग है, तो हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन में क्या लिखना है, सेक्रेटरी मींस कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ड्यूटीज एज असाइंड बाय लॉ। जो कानून उसे ड्यूटीज असाइन करता है, उसको वो ऑब्जर्व करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज परफॉर्म करे, कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड होना चाहिए, करेक्ट। तो ये चीजें
जो कंपनी सेक्ट की डेफिनेशन है उसमें होना चाहिए। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब ये एक फ्लो चार्ट है जिस पे पूरा चैप्टर है, तो हम एक एक को कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें जनरल सेक्रेटरी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है, हम आगे पढ़ेंगे क्या है। राइट, लेट स्टार्ट। सबसे पहले प्राइवेट सेक्रेटरी। तो प्राइवेट सेक्रेटरी इज नोन एज अ पीए, पर्सनल असिस्टेंट, और पर्सनल सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ही शी अटेंड्स फोन कॉल्स, ऑब्जर्व्स करस्पॉन्डेंस, मैंने बताया था सेक्रेटरी में ऑब्जर्व्स करस्पॉन्डेंस, एंड लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। ही शी मेक्स अरेंजमेंट ऑफ शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स एंड रिमाइंड्स टू दिस टू हिज बिजी मास्टर। राइट, कौन रखता है? फिल्म आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस टाइकून अपॉइंट प्राइवेट सेक्रेटरी। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, सॉलिसिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो अपॉइंट पीए व्हेन देयर फंक्शंस बिकम वाइडर, जब वो और ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करते तो वो भी रखते हैं। ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस पर्सन आर जनरली अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी, और प्राइवेट सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी पर। आपको ये दो दो मार्क में आएंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। ये जस्ट सिनॉप्सिस है। वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है पर्सन्स को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, और वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कहलाए जाते हैं। इंडिया में इसी का नाम मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी है, क्योंकि इंडिया में तो प्रधानमंत्री इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जिन जिन कंट्रीज में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वहां मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी या डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज पर कंपनी एक्ट 2013, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी व्हेन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ या ऊपर से हो। सब्सक्राइब कैपिटल, बहुत सारे कैपिटल होते हैं, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, तो करेक्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ या उससे ऊपर हो तो मैंडेटरी है अपॉइंट करना कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी को। कंपनी सेक्ट 2013 कहता है इन अ कंपनी पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज पर कंपनी लॉ कंपनी पजेसिस आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी पजेस करती है। अब जो अपने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, शेयर होल्डर्स एंड कंपनीज आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज कैरिड ऑन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट अक्वेंटेड विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल आर नॉट लोकल एज वेल। टू एडमिनिस्टर कंपनी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड एंड ही इज नोन एज कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, और एक एम्प्लॉय ऑफ कंपनी है। सेक्रेटरी हैज टू कैरी आउट ऑर्डर्स गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही डज नॉट हैव एनी पावर बट ही हैज टू फॉलो ऑर्डर्स। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी इज लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट के हिसाब से सेक्रेटरी लिंक है बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी। अब द अथॉरिटी हैज बीन असाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही हैज टू कैरी आउट फंक्शंस एज डायरेक्टेड बाय द कंपनी लॉ, द सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेक्रेटरी किसके अंडर काम करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी सेक्रेटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से दो तरीके के कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, पहला जनरल सेक्रेटरी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। अब जनरल सेक्रेटरी क्या करता है? शेयर इशू के बारे में देखता है, जनरल मीटिंग के नोटिसेस बनाओ, एजेंडा बनाओ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल सेक्रेटरी देखता है। आगे हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या करता है? एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है, सिलेक्ट करता है, निगोशिएट करता है बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स, एग्रीमेंट्स बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स देखता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो जाता है। सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। नाउ अडेज एवरी कंट्री नॉमिनेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव एज एन एम्बेसडर इन अदर कंट्री। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। खुद के कंट्री का, खुद के देश का हित पहले रखें एंड कन्विंस देम देयर कंट्रीज आइडियोलॉजी, उन कंट्री की उस जिसको बिलोंग करते हैं उनकी आइडियोलॉजी को वो कन्विंस करते हैं दूसरी कंट्रीज को। सच सेक्रेटरी इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी द पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैंने बताया था कि जैसे इंडिया में एमपीज इलेक्ट होते हैं, व्हिच एवर पार्टी हैज अ मेजोरिटी फॉर्म्स अ कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है, द मिनिस्टर टेक्स
केयर ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड बिकम्स चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, राइट भाई? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसका है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसका है, फाइनेंस किसका है? टू मैनेज द डिपार्टमेंट अ गजेटेड ऑफिसर व्हिच इज आईएएस इज अपॉइंटेड टू वर्क हु इज नोन एज डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी. तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए. द फंक्शन ऑफ सच सेक्रेटरी इज टू लुक आफ्टर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स एज पर द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड. द सेक्रेटरी मस्ट वर्क एफिशियंटली, ऑनेस्टली एंड लॉफुली, कानून के दायरे में रहकर उसको काम करना है. द सेक्रेटरीज आर लाइक सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री एक्सेट्रा. अब लेट अस गो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वन लाइनर्स एंड देन क्वेश्चन आंसर्स. एज पर द कंपनीज एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी. अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? अगर आप बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 5 करोड़ के ऊपर होगा तो मैंडेटरी है, राइट? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, याद रहे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ है उससे ऊपर. डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अभी अभी हमने डिस्कस किया, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी क्या होना चाहिए? अगर आप डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर. गजेटेड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए. कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फुल फॉर्म ऑफ FICCI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता ही है एग्जाम में. इसका आंसर है सी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कौन देखता है? तो मैंने बताया था जनरल सेक्रेटरी देखता है, कंपनीज जनरल सेक्रेटरी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मीटिंग का एजेंडा बनाना, शेयर होल्डर की मीटिंग का, फिर मीटिंग हो जाए तो मिनट बुक्स बनाना, शेयर इशू और वो सब चीजें जनरल सेक्रेटरी देखता है. सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए ऑप्शन. नाउ लेट अस गो फॉर वन लाइनर्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्रेटरी? तो अपन ने वो जो पढ़ा है, प्राइवेट सेक्रेटरी अटेंड्स कॉल, ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस एंड. अब जो अपन ने किया है उसका क्वेश्चन आंसर में उसको कैसे लिखना है और क्या लेंथ होनी चाहिए, व्हाट दे एक्सपेक्ट, वो आप देखिए. बाकी ये चीज अभी आपकी पड़ी हुई है. प्राइवेट सेक्रेटरी अरेंजमेंट करता है शेड्यूल की और अपॉइंट एंड रिमाइंड दिस टू हिज बिजी मास्टर. पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है. इन अ कंपनी व्हिच सेक्रेटरी डज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. तो मैंने बताया था सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी देखता है. हु अपॉइंट सेक्रेटरी इन द कंपनी? सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? तो मैंने बताया था पहली पहली स्लाइड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को. स्क्रिबा कहाँ फेमस है? मैंने बताया था रोमन एम्पायर. इन एंशियंट रोमन एम्पायर दोज हु परफॉर्म वर्क ऑफ करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ किंग्स वर कॉल्ड स्क्रिबा. कितने टाइप्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होते हैं? दो, जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी. व्हिच कंपनी लॉज इज इन एक्सिस्टेंस? कंपनीज एक्ट 2013. व्हेन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट? सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर तो मैंडेटरी है. हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ? मैंने बताया था श्री सुमंत वॉज सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ. और विदुर था धृतराष्ट्र का, और मुगल एम्पायर में वजीर बोला जाता था, अबू फजल और बीरबल वो है. नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स पर्सनल सेक्रेटरी? पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत किसको पड़ती है? तो फिल्म आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वो बिजनेस टाइकून ये अपॉइंट करते हैं. प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट करते हैं जब उनका काम वाइडर बन जाता है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स? तो ये थोड़ा बड़ा आंसर है. द मॉडर्न कॉमर्स स्टार्टेड विद सोल ट्रेडर, अब जो अपने स्टार्ट किया था, फिर पार्टनरशिप आया, फिर कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट सेक्टर आया, लिमिटेशन ऑफ वन बिकेम एडवांटेज ऑफ अदर. एज टाइम पास पास ड्यू टू वॉर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज एंड डिफरेंट आइडियोलॉजी इमर्ज. ड्यू टू डिफरेंट इन्वेंशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकेम फास्टर. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकेम फास्टर टू मैनेज
एंड फॉर्मेशन टू एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स चेंज टू मल्टीनेशनल कंपनी। तो मेन अगर वन लाइनर आता है तो ये लिखना है, और 2 मार्क में आता है तो थोड़ा अपने को, अब कॉमर्स स्टूडेंट है आप ही समझ सकते हैं, राइट। वन लाइनर में आता है तो ड्यू टू डिफरेंट इन्वेंशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकेम फास्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स चेंज टू मल्टीनेशनल कंपनी। अगर 1 मार्क में आता है तो इतना ही लिखना है, 2 मार्क में आता है तो थोड़ा हिस्ट्री से चालू करना है, पहले प्रोपराइटर था फिर पार्टनरशिप था एंड ऑन। हु इज नोन एज द मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी? तो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी वेस्टर्न कंपनीज में प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट को देखता है, डिपार्टमेंट द सेक्रेटरी को हम डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कहते हैं, इंडिया में मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी होता है। फिर हाउ आर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ? तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद ह्यूमन लाइफ, इफ यू आर यूजिंग अ टूथपेस्ट, ईटिंग पोटैटो चिप्स और यूजिंग अ मोबाइल फोन, ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ दीज कंपनीज। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी? तो अपने कंट्री की आइडियोलॉजी को कन्विंस करे दूसरी कंट्री को, अपनी कंट्री का हित आगे रखे, ये है फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड टू कन्विंस देयर कंट्रीज आइडियोलॉजी। वही आंसर थोड़ा घुमा के लिखना है, पिछला आंसर और ये आंसर ऑलमोस्ट सेम है। फंक्शन क्या है? तो सिर्फ फंक्शन, मेन फंक्शन लिखना है, और यहां पर है कि व्हाट इज द नीड, तो फंक्शन ही नीड है। नेक्स्ट, हु इज द डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी? व्हाट आर द फंक्शन? द पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट अ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हिचएवर पार्टी हैज मेजोरिटी फॉर्म्स कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री टेक्स केयर ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड बिकम्स इन चार्ज, तो उसको हम डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कहते हैं। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कौन होना चाहिए? गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, अपॉइंटेड, राइट। फंक्शंस क्या हैं? सेक्रेटरी लुक आफ्टर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट एज पर पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। सेक्रेटरी हैज टू वर्क एफिशिएंटली, ऑनेस्टली एंड लॉफुली। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री, ये सब लिखना है। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए, कंपनीज एक्ट कहता है। कीप्स पर्सनल मैटर्स कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल मैटर्स कॉन्फिडेंशियल रखे। ड्यूटी जो उसको दी गई हो वो निभाए, परफॉर्म्स वॉट एवर ड्यूटी इज असाइंड। नेक्स्ट, डजेंट हैव एनी ऑफ हिज ओन अथॉरिटी, अथॉरिटी इज असाइंड टू हिम, उसको खुद की अथॉरिटी नहीं होती, अथॉरिटी उसको असाइन करी जाती है। हेल्प्स टू कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। ओनली अ लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, लिविंग पर्सन ही सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है। वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? तो कैरी करस्पॉन्डेंस, सिलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉइज। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके हैं उनको मिक्स करके देना है, और अगर वन लाइनर में आता है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना, राइट। निगोशिएट करना, एग्रीमेंट्स बनाना, ऑब्जर्व द अकाउंट्स, मैंडेटरी स्टेटमेंट्स बनाना, रजिस्टर ऑफ कंपनी को फाइल करना सारे रिटर्न्स, इशू ऑफ जनरल मीटिंग नोटिस इशू करना, एजेंडा बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड। अब फंक्शंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी, तो फंक्शंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी में कैरी आउट करेस्पॉन्डेंस, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स देखे एज पर ऑर्डर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, ये सब आप चैप्टर्स के नाम हैं जो आप पढ़ने वाले हो आगे पूरा एसपीसीसी में। टू इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाते हैं शेयर होल्डर्स की, तो नोटिस इशू करना, एजेंडा बनाना मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, मिनट बुक्स लिखना, जनरल सेक्रेटरी का नाम है। स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाना, फाइल एट द रजिस्ट्रार, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, याद रहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरल सेक्रेटरी का काम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या है? अपॉइंट एंड सिलेक्ट एम्प्लॉइज, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑब्जर्व अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक लिंक है बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी? कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी को हम प्राइवेट सेक्रेटरी भी कहते हैं, वो ऑब्जर्व्स करेस्पॉन्डेंस, लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स और रिमाइंड कराती है मास्टर को, या कराता है कि आप अटेंड करो वो। हु आर इंक्लूडेड इन एसोसिएशन सेक्रेटरी? तो द ट्रेड एसोसिएशन, द प्रोड्यूसर एसोसिएशन, द सर्विस सेक्टर एसोसिएशन एक्सेट्रा एस्टेब्लिश देयर ओन यूनियन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स व्हिच आर रेज्ड इन द बिजनेस। एग्जाम्पल, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
FICCI etc. such association. When such association is formulated, their secretary is appointed. The secretary has to manage such association as per their constitution. Wish you good luck.